नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को पाक वीजा नहीं दिए जाने का मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आज वेब वार्ता में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पाकिस्तानी कलाकार हिंदी फिल्मों में काम करके काफी पैसा कमाते हैं, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। दूसरी ओर पाकिस्तान अनुपम खेर को साहित्य उत्सव के लिए वीजा नहीं देता, क्या सोचते हैं इस पर आप? तो ये सवाल पाकिस्तानी या भारतीय कलाकारों का नहीं है। अगर कलाकारों को हम एक अलग नस्ल के रूप में, एक अलग पेशे के रूप में देखकर वो सम्मान दें तो बात अलग हो जाती है, लेकिन हमने देखा है कि सरहदें इस तरीके से काम नहीं करती। जब गुलाम अली को भारत आना होता है तो हमारे यहाँ विरोध होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में हो या दिल्ली में हो, उनका स्वागत हुआ, मुंबई में उनको आने से मना किया गया। इसी तरीके से मुझे नहीं पता कि अनुपम खेर को दरअसल इनकार क्यों किया गया, और उसमें बहुत सारे अलग अलग बयान आए हैं, और आखिर में पाकिस्तान के उच्चायोग ने कहा भी था कि वो चाहें तो आ सकते हैं, वो वीजा के लिए यहाँ पर आ जाएं, उपस्थित हो जाएं तो उनको वीजा दे दी जाएगा, और आखिर में फिर अनुपम खेर ने खुद उसके लिए मना किया। लेकिन आयोजकों की तरफ से कभी इस तरह का सकारात्मक, जो कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जवाब आया नहीं। मुझे लगता है कि ये जो सारी बहस है, भारत और पाकिस्तान के बीच का सारा विमर्श है, वो चंद नुमाइंदों के बीच में सिमट कर रह गया है। पाकिस्तान और भारत की आम जनता क्या चाहती है, उसकी आवाज हमने सुनने की कोशिश नहीं की है। अनुपम खेर का मसला हम अलग भी रख दें, अनुपम खेर दरअसल लगातार एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जिन्होंने तथाकथित जो कुछ लोग अपने वाद को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चंद तथ्यों वजह से असहिष्णुता की बहस हुई, उसमें वो बहुत मुखर होकर सामने आए। उन्होंने कहा देश में असहिष्णुता नहीं है। आमिर खान के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है तो देश छोड़कर चले जाएं। कश्मीरी पंडितों को लेकर हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, और पहली बार इस बार 19 तारीख को, 19 जनवरी को जिस तरीके से चर्चा हुई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाले जाने की, निष्कासित किए जाने की, विस्थापित किए जाने की, जितनी चर्चा है उसके पहले इतिहास में हमने कभी वो चर्चा नहीं देखी है। तो इस तरह का विमर्श जब हिंदुस्तान में शुरू होगा, और उसकी तकलीफ अगर पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोगों को है तो जाहिर है होगी, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कौन चीजों में किस तरफ खड़ा है। एक और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जब आप गुलाम अली को हिंदुस्तान में नहीं आने दिया जाता तो उसको लेकर इतनी तरह की बयानबाजी होती है, और मैंने उस वक्त बयान दिया था, मैं खुद भी कह रहा हूं कि गुलाम अली को भारत में आकर गाने देने से हमें परहेज नहीं होना चाहिए, कला को, मौसीकी को, शायरी को, संगीत को इससे परे रखना चाहिए। वो इतने तमाम हजारों उदाहरण हमारे पास हैं कि जिसने सरहदों को तोड़कर काम किया है। आप देखिए कि अंग्रेजी हिंदी की सबसे अच्छी जो शब्दकोश है उसको फादर कामिल बुल्के ने बनाया है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं, आप चाहे फैज का देख लो, जितने सारे उदाहरण आप देखना चाहेंगे, मंटो का देख लो। मेरा कहना यह है कि कला को अगर हम अलग तरीके से देखते हैं तो फिर सब तरह की कला को अलग देखना चाहिए। अनुपम खेर को अगर एक कलाकार के तौर एक साहित्य सम्मेलन में आप बुला रहे थे तो उसी तरह का सम्मान उनको मिलना चाहिए था। उनकी राय मसलों को लेकर क्या है, ये उनकी निजी राय मानकर उसे छोड़ दिया जाना चाहिए था, तो इसको पाकिस्तान का बड़प्पन माना जा सकता। क्योंकि अनुपम खेर कश्मीर का मुद्दा काफी तेजी से उठा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि पाकिस्तान डर गया है? डर गया है या सचेत है या चिंतित है कि अनुपम खेर वहां जाकर ऐसा कुछ बोल दें? तो मुझे लगता है कि अगर वो डर गया है तो जाहिर सी बात है कि अगर इन बयानों से उसे डर लग रहा है तो उसकी दाढ़ी में तिनका है। आप ये बताइए कि कश्मीरी पंडितों को लेकर, वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, जिसने उस दर्द को भोगा है वो उसको नहीं बोलेगा तो फिर कैसे होगा? एक पूरे के पूरे प्रदेश की जनसांख्यिकी जो है वो रातों रात बदल दी गई, इस पूरे इलाके को कश्मीरी पंडितों से खाली कर दिया गया, और उतने बड़े दर्द को, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को हम बहुत दर्दनाक मानते हैं, और उस वक्त जो कुछ हुआ, जो कत्लेआम हुआ, धर्म के नाम पर जिस तरीके से खून बहाया गया, इंसानियत नंगी होकर सड़कों पर और गलियों में पसरी पड़ी थी, ट्रेन की बोगियों में लाशें बिखरी पड़ी थी, जिस तरीके से कत्ल हुए, बलात्कार हुए, पर हमने उस पर तमस जैसे धारावाहिक देखे हैं, हमने उस पर ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी फिल्में देखी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर क्या उस दर्द को उस तरीके से बताया भी गया है? तो वो जो बयान देने वाले लोग थे गुलाम अली को लेकर, वो सब कहां चले गए जब अनुपम खेर का वीजा मना किया गया? तो अगर 18 लोगों को बुलाया गया है और एक व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा है तो बचे हुए 17 लोगों में इतनी हिम्मत होना चाहिए, इतनी ताकत होना चाहिए, इतना नैतिक उनमें बल होना चाहिए कि वो उस एक व्यक्ति को न बुलाए जाने का विरोध करते हुए या तो सबके सब न जाए, या बचे हुए 17 लोग जो जा रहे हैं वो वहां पर मंच से इतना बोलने का साहस तो जुटाए कि हमारे साथ के एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, ना इंसाफी हुई है। आज नंदितला दास जैसे कलाकार जिन्होंने इतनी इज्जत कमाई है अपनी कला के जरिए, देश के मामले में वो इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर आपके साथी एक हिंदुस्तानी को वीजा नहीं दिया गया किसी मुद्दे को लेकर तो आप उसका विरोध करें, और चलिए आप अगर जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं तो वहां जाकर मंच से आपने विरोध करने की ताकत है कि मैं देखना चाहता हूं।
अगर आप हिंदुस्तान के साथ इन मसलों पर नहीं खड़े रह सकते, इसमें जरूरी है कि आप कला के साथ भी उतनी मजबूती से खड़ा रहे। और जिस तरीके से पाकिस्तान के कलाकारों को हिंदुस्तान में आकर फिल्म करने की या गाना गाने की इजाजत मिलनी चाहिए, उसी तरह भारत के लोगों को भी पाकिस्तान में जाकर बोलने की, अपनी बात मंच से कहने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसी ही हरकतें करता रहेगा तो दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे कैसे? देखिए, ये हम शुरू से जान रहे हैं कि आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तान जिसमें चुनाव हुए और मियां नवाज शरीफ उसके प्रधानमंत्री चुने गए, वो पाकिस्तान जिसकी सेना की हुकूमत राहिल शरीफ के हाथ में और वो चलाते हैं, वो पाकिस्तान जिसमें ISI एक अलग तीसरी शक्ति के रूप में मौजूद है, वो पाकिस्तान जिसमें आतंकवादियों का और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों का राज है, वो पाकिस्तान जिसमें लखवी जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता, वो पाकिस्तान जिसमें बलूचिस्तान की सीमा पर तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं और जिसको लेकर पाकिस्तान खुद कुछ नहीं बोल पाता। हम एक पाकिस्तान की आम जनता है जिस पर आप जाएंगे, बात करेंगे, बाजार में घूमेंगे तो वो हिंदुस्तानियों पर इस तरह का प्यार लुटाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अलग मुल्क में हैं और ये मुल्क कभी हमसे अलग हुआ है। वहां के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, अस्पताल में इलाज कराएंगे, हमसे मिलेंगे, जिस तरह की खिदमत, जिस तरह का खैर मकदम उनका यहाँ पर होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? आम आदमी से जुड़े पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन एक बहुत बड़ा दर्द नजर आएगा। आप धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति देखेंगे तो आपको उसका मकसद समझ में आएगा। आप मियां नवाज शरीफ से बात करेंगे तो कूटनीति और राजनीति के स्तर पर लगेगा कि दोनों ही देशों के इरादे बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री भी अचानक क्रिसमस के समय वहां पहुंच जाते हैं तो कितना बढ़िया हुआ, और उसी के बाद पठानकोट हो जाता है। हम जब अनुपम खेर को नहीं बुलाने वाली शक्तियों की बात करते हैं तो वो एक उस पाकिस्तान की बात है जो चाहती नहीं कि भारत और पाकिस्तान एक हो। तो भारत और पाकिस्तान का एक होना किसी एक पाकिस्तान के बस में नहीं है। वहां जो इतने सारे बटे हुए पाकिस्तान हैं, जब तक उनको एक नुमाइंदगी नहीं मिल जाती, जब तक उनकी एक आवाज नहीं हो जाती, पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पर, घरों में भारत के प्रति जो मोहब्बत बिखरी पड़ी है उसको सही आवाज नहीं मिल जाती, तब तक हम जितनी भी बातें करेंगे वो बेमानी होगी। यदि ये अनुपम खेर ने तो पाकिस्तान की पेशकश ठुकरा दी है, क्या लगता है कि बाकी 17 लोगों को भी पाकिस्तान यात्रा का बहिष्कार करना चाहिए? अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत तगड़ा संदेश जाता है कि आप इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भारत के हितों के बारे में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी वजह से पाकिस्तान अगर उसको आने से मना करता है तो गलत है। आप कला का सम्मान कलाकार की तरह से कीजिए, इन मसलों को अलग रखकर उस व्यक्ति को वहां बुलाइए, इतनी हिम्मत दिखाइए। अगर ये सारे लोग मिलकर ऐसा करते तो मुझे खुशी होती, अगर वो ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत दिखाएं कि मंच पर जाकर बोलें कि अनुपम खेर नाम के हमारे यहाँ के कलाकार को, व्यक्ति को, सम्मानित कलाकार हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, पाकिस्तान में वो गए भी हैं, बोले हैं, तो उनको नहीं बुलाया गया है और उनको नहीं बुलाने के ये कारण है। कोई इतना हिम्मत अगर वहां मंच से बोलने की दिखाए तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बेहतर हो। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे अनुपम खेर के पाक वीजा विवाद पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।